आदाब, किसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा गिल। आगे देखते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खजाने पर बोझ माना, लेकिन गारंटी योजनाएं नहीं होंगी। मुंडा घोटाले में बढ़ सकती है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें, शिकायतकर्ता ने लगाए नए आरोप। पंजाब, नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं। संगरूर, फिरोजपुर के SSP और DC को नोटिस। झारखंड सरकार सोचती है कि जनता का पैसा लूटने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोले अमित शाह। महाराष्ट्र में MVA और झारखंड में JMM कांग्रेस गठबंधन को निर्णायक जनादेश मिलेगा, बोले जयराम गणेश। जम्मू कश्मीर, रियासी में गिरी घर की दीवार, 13 लोग हुए घायल। UP, कासगंज में मिट्टी का टीला ढहने से 4 महिलाओं की हुई मौत। उत्तराखंड के देहरादून में इनोवा और कंटेनर में हुई गिरगहला देने वाली टक्कर से अलग हो गई लड़की की पहचान। जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। प्रयागराज में छात्राओं पर लाठीचार्ज, दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस नेता जयराम रमेश। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह थानी ने मनाया इगाज लोक पर्व, सांसद अनिल बलूनी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। मुस्लिम वोटरों पर अखिलेश और ओवैसी फिर आमने सामने, किधर जाएंगे UP के मुसलमान। शाहरुख खान धमकी केस, आरोपी फैजल को कस्टडी में लेने रायपुर पहुंच मुंबई पुलिस की टीम। छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं, प्रयागराज में छात्राओं के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। बांग्लादेशी घुसपैठ, चुनावी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर ED की छापेमारी। एक्ट्रेस और BJP नेता रूपाली गंगुली ने सौतेली बेटी को भेजा मानहानि नोटिस। कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर होगा जोर, बोले CJI संजीव खन्ना। अपने अमृतसर के मिसिंग घर को आज भी तलाशते हैं CJI संजीव खन्ना। पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे PM मोदी। इसराइल की सदस्यता फ्रीज करने को वोट करेंगे UN के सदस्य देश, अरब लीग सचिव। बांग्लादेश से जुड़े अलकायदा मामले में कई शहरों में NIA का सर्च ऑपरेशन। कनाडा, ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर का एक और कार्यक्रम रद्द, हिंसक हमले की आशंका। रूस के डिप्टी PM ने दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। श्रीलंका की नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, समुद्री सीमा पार करने का है आरोप। KP एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News।